हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कापेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज मैं बात करूँ ना, तो आज के टाइम पे करंटली सिडान मार्केट ना बहुत ज़्यादा हॉट चल रही है, क्योंकि आज आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार हॉट प्रोडक्ट्स हैं सिडान मार्केट में। एंड आज हम बात कर रहे हैं होंडाई के लेटेस्ट लॉन्च होंडाई वर्ना के बारे में। तो वर्ना कम्पीट करेगी स्कॉडा स्लाविया के साथ, वॉक्स वैगन वर्टिस के साथ एंड होंडा सिटी के साथ। तो भाई, डिज़ाइन में पूरा क्रेडिट जाता है होंडाई को, बहुत ही फ्रेश लुक के साथ कर आई है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप ऑफ डिज़ाइन बनाया है होंडाई ने। एंड ऐसा डिज़ाइन अभी फिलहाल किसी सेडान में नहीं है, बहुत ही प्रीमियम लग रही है कार। होंडाई इसमें दो इंजन ऑप्शन दे रही है, एक दे रही है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 113 bhp की पावर और 143 nm का टॉर्क। एंड दूसरा इंजन ऑप्शन आता है 1.5 लीटर टर्बो इंजन जो प्रोड्यूस करता है 157 bhp की पावर और 253 nm का टॉर्क। तो गाइस, अगर पावर फिगर की बात करो ना, तो अभी करंटली सबसे पावरफुल सेडान है ये। एंड ये बात भी कहीं हद तक फैक्ट है कि वर्ना की अपनी ही एक मार्केट है। एंड वर्ना ही एक ऐसी कार है यार, जब वर्ना लॉन्च हुई थी तो वर्ना ही एक ऐसी कार थी जिसने काफी हद तक होंडा सिटी की मार्केट को इफेक्ट किया था, जो उस समय सेडान कार को रूल कर रही थी। तो यार, इस कार के फीचर्स और इस कार ये कार में क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, ये सब तो आपको कई वीडियोज में आपने देख ही लिया होगा अभी तक। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स में जो अभी भी क्वेश्चनेबल है इस कार के लिए। एंड बिकॉज अभी वो वीडियो में किसी भी वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं हुए, तो आज हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंट डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यार, इस कार का जो कंपटीशन है ना, जो इसके कंपटीटर्स हैं, वो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय इस सेडान मार्केट में। चाहे बात की जाए सेफ्टी की, चाहे बात की जाए परफॉर्मेंस की, हर एंगल में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रहे हैं इस कार को। तो इसीलिए आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स से बात करेंगे कि जो मुझे लगता है कि इस कार में अभी भी क्वेश्चनेबल है। अगर आप उन पॉइंट्स से एग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इस कार में फील किया, वो किया इसकी सेफ्टी को लेके। अभी भी मुझे यार इसकी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज अगर अगर इसे कंपेयर करो ना, इसके डोर्स भी आपको काफ़ी हल्के फील होंगे। उतनी स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी मुझे लग नहीं रही इस कार में, तो एक वो डाउट है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके, जो अभी भी एक क्वेश्चनेबल है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही जो इसके जितना इसके कंपटीटर्स ऑफर कर रहे हैं अभी इस टाइम में। सेकेंड थिंग जो मुझे फील होती है स्पेशली हर सेडान कार में, वो होती है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। बट कहीं ना कहीं वो ग्राउंड क्लियरेंस हेल्प भी करती है कार को स्टेबल होने में, बट ये एक कंसर्न है मेरे लिए अभी भी, बिकॉज इसके कंपटीशन की बात करें वर्टस या स्लाविया, वो इस सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रहे हैं, और अभी वरना में वही ग्राउंड क्लियरेंस का इशू मुझे अभी भी लग रहा है। देर इज़ नो डाउट ऑन इंटीरियर, वरना के इंटीरियर में कोई डाउट नहीं है, बहुत ही क्लासी और बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर इस कार का। बट एक क्वेश्चन है मुझे इस कार के इंटीरियर में, वो है जो इसमें ये टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील दे रखा है ना यार, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इस कार के इंटीरियर को। बहुत ही क्लासी इंटीरियर के साथ ये जो टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है मुझे, और मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा इसका टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील। तो गाइस, यही कुछ पॉइंट है जो मुझे इस कार में क्वेश्चनेबल लग रहे थे। इसके अलावा कार बहुत स्टनिंग लग रही है, एंड बहुत ही जल्दी हम इसका एक ड्राइव रिव्यू आपके सामने लेके आएंगे। एंड पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस कार से, बिकॉज कंपनी जो पावर फिगर ऑफर कर रही है इस कार में, मुझे लगता है ये कार परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी कंपटीशन होने वाला है इस सेगमेंट में, जो एंड यूज़र के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड इसका जो भी बेनिफिट है वो एंड यूज़र को ही मिलेगा, बिकॉज उसको मिलेगी इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया कारें। तो अब देखते हैं कि इस सेगमेंट में और ज़्यादा कितना कंपटीशन क्रिएट होता है। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्द इसका ड्राइव रिव्यू हम आपके सामने लेके आएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।